जब भी शराब की बात होती है तो अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं। इनमें वाइन, विस्की, ब्रांडी, वोडका, बियर, जिन और भी कई नाम शामिल हैं। जो लोग शराब पीते हैं और जो लोग शराब नहीं पीते, इन दोनों ही तरह के लोगों को इनके बीच का अंतर पता नहीं होता है। बियर, वोडका और वाइन के अलावा कई तरह की कैटेगरी होती है और इनमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है, और जैसा मूड और माहौल होता है उसी के हिसाब से लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स चूज करते हैं। माहौल और मूड के अलावा बात पैसों की भी होती है, और लोग अपनी अपनी जेब के हिसाब से भी अपनी ड्रिंक्स तय करते हैं। तो आखिर कैसे होती है ड्रिंक्स, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपको पहले बताते हैं कि वैसे तो मुख्य तौर पर शराब दो तरीके की होती है। इसके बाद इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो होती है अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स और एक होती है डिस्टिल्ड ड्रिंक्स। जो अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें बियर, वाइन, हार्ड साइडर जैसी शराब को शामिल किया जाता है। वहीं डिस्टिल्ड ड्रिंक्स में ब्रांडी, वोडका, टकीला, रम, विस्की शामिल होती है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दें कि डिस्टिल्ड ड्रिंक्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है और उसे कभी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जबकि अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स एक लिमिट के बाद खराब हो जाती है। अब आइए आपको बताते हैं इन सारी शराबों के बारे में। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले बियर आती है, जिसे मग से लेकर कांच की बॉटल और यहाँ तक कि कैन में भी पीते हैं। जिसे पीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बियर का ठंडा होना। जो लोग बियर पीते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं पीते उन्होंने भी रास्तों में कई जगह महा ठंडी बियर की दुकान तो देखी होगी। बियर की गिनती बाकियों की तरह अल्कोहलिक सब्सटेंस में ही होती है। कहा जाता है कि बियर में 4-6% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। इसमें भी लाइट बियर में ये कम हो जाती है और अन्य बियर में ये 8% तक भी हो सकती है। बियर को आमतौर पर जौ की मदद से बनाते हैं। जर्मन बियर को दुनिया की सबसे बेहतरीन बियर माना जाता है। इसके बाद नंबर आता है वाइन का, जिसे ज्यादातर अंगूर के फलों से बनाते हैं। ये वाइन वही शराब होती है जिसे रेड और व्हाइट की कैटेगरी में बांट कर रखते हैं, और जिसके कांच की बड़ी सी बोतल पर लकड़ी का कॉर्क लगा होता है, जिसे खोलने के लिए एक अलग किस्म के ओपनर की मदद ली जाती है। अब अगर इसमें अल्कोहल की बात करें तो वाइन में करीब 10-18% तक अल्कोहल मौजूद होता है, और साथ ही अंगूर में मौजूद शुगर को एथेनॉल अल्कोहल में बदल देता है। इसी कारण इस वाइन की क्वालिटी अंगूर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। दुनिया में सबसे पहली बार वाइन बनाने के सबूत चीन में मिले थे, और आज पूरी दुनिया में वाइन को एक एलीट शराब की तरह कंज्यूम किया जाता है, यानी कि ये एक महंगी शराब में कंसिडर होती है। ब्रांडी ये एक तरह की वाइन ही है, लेकिन इसमें वाइन को डिस्टिल्ड कर लिया जाता है, जिस कारण ये कभी ना खराब होने वाली शराब बन जाती है। इसके साथ ही साथ ब्रांडी में करीब 35-60% अल्कोहल की मात्रा होती है। विस्की लिस्ट में अगला नंबर विस्की का है, जो एक डिस्टिल्ड अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। विस्की को बनाने में ज्यादातर जौ, मक्का जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है। विस्की को ज्यादातर लकड़ी के बैरल में बनाते हैं, लेकिन विस्की इन सबसे ज्यादा अपने अल्कोहल परसेंटेज की वजह से जानी जाती है। इसमें करीब 30-65% तक अल्कोहल होता है, लेकिन इसे बनाने के मामले में स्कॉटलैंड का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आमतौर पर भी लोग शराब के नाम पर सबसे ज्यादा विस्की का ही कंजप्शन करते हैं, क्योंकि इसमें सस्ती से लेकर महंगी विस्की मार्केट में अवेलेबल होती है। जिन जिन एक तरह की ऐसी ड्रिंक है जिसकी स्मेल डार्क स्पिरिट की तरह होती है। ये एक ऐसी भी ड्रिंक है जिसे आप घर पर बैठकर पीना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि एक पार्टी ड्रिंक होती है। जिन का इस्तेमाल ज्यादातर कॉकटेल बनाने में करते हैं। डाई मार्टिन, जिन रेकी, टॉम कॉलिन सबसे फेमस जिन कॉकटेल है जिन्हें लोग पार्टी में पीना पसंद करते हैं, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 35-55% तक होती है। शैंपेन कोई भी आइकॉनिक मोमेंट, फिर चाहे वो 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन हो या फिर किसी सक्सेस पार्टी का आगाज, एक शैंपेन की बॉटल के खुलने के बिना अधूरा सा ही दिखता है। शैंपेन तो जैसे हमारे पॉप कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। दुनिया की सारी शैंपेन्स में इस्तेमाल किए जाने वाले अंगूर फ्रांस के ईस्ट हिस्से के खेतों से आते हैं। यहाँ पर 24 करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था, और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारा लाइमस्टोन और चौक है, जिससे यहाँ की मिट्टी इन अंगूरों को एक अलग फ्लेवर देती है। शैंपेन अपने आप में तो अलग से कोई पदार्थ नहीं है। शैंपेन का मतलब है स्पार्कल वाइन, यानी शैंपेन में वाइन भरी होती है, और ये वाइन स्पार्कल वाइन होती है जिसे खास तरह से बनाया जाता है। इस वजह से शैंपेन में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं,
और इस वजह से गैस बन जाती है, इसलिए ये स्पार्कल वाइन ही है। अगर अल्कोहल परसेंटेज के आधार पर बात करें तो इसमें 11% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। वोडका, वोडका एक रशियन ड्रिंक है। हनी सिंह का वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा, चार बोतल वोडका का मेरा रोज का। इसमें जो चार बोतल वोडका है वो इस समय भारत में पी जाने वाली पार्टी ड्रिंक्स में टॉप पर आती है। जिसके शॉर्ट्स यानी छोटे छोटे ग्लास में वोडका को एक सांस में पीते हुए लोगों को आपने जरूर देखा होगा। वोडका भी एक तरह की पार्टी ड्रिंक है जिसे आलू को फर्मेंटेट करके बनाते हैं। वोडका में अगर अल्कोहल परसेंटेज की बात करें तो 40% तक अल्कोहल मौजूद होता है। रम, सर्दियों के मौसम आते ही लोगों के बीच रम बहुत कॉमन हो जाती है क्योंकि ये बॉडी में जाकर उसे गर्म रखने में मदद करती है। जो लोग रम नहीं पीते उन्हें थ्री इडियट वाला वो सीन तो याद हो गई जब रम पीकर राजू वायरस को उठा लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रम एक स्ट्रॉन्ग डिस्टिल्ड अल्कोहल है जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज 40% के आसपास होती है, लेकिन कुछ रम इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उसमें अल्कोहल की मात्रा 60-70% तक होती है। रम को बनाने का क्रेडिट जाता है क्यूबा को, जहां बकार्डी ने सबसे पहले रम को एक शराब की तरह बनाया था। आज पूरी दुनिया में बकार्डी के रम के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स जिन्हें लोग पार्टी से लेकर डेली लाइफ तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट इन्हीं में सिमट गए। इसके अलावा फैनी जो काजू से बनती है और गोवा जाने वाले सारे लोग उसे चखते हैं। बाकी देशी शराब की दुकान पर मिलने वाली शराब भी भारत में बड़ी मात्रा में कंज्यूम की जाती है जिसमें करीब 50% तक अल्कोहल मिला होता है। अगर आप भी ड्रिंक्स करते हैं तो आपको कौन सी शराब सबसे ज्यादा पसंद है, अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।